द केरल स्टोरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग मूवी को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर विषय पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच इंदौर के एक युवा ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को द केरल स्टोरी दिखाने का प्रण लिया है। इंदौर के पंडित संदीप जोशी ने मंदिर में जाकर यह प्रण लिया है कि वे कम से कम 5,000 लोगों को द केरल स्टोरी मूवी दिखाएंगे। संख्या 5,000 पूरी होने के बाद भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। इस क्रम में वे लगभग 1,000 लोगों को यह मूवी दिखा चुके हैं। संदीप जोशी ने बताया कि 250 की संख्या में लगभग 4 बार यह मूवी दिखाई जा चुकी है। आगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जागरूकता लाने के लिए इस मूवी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेषकर आने वाले समय में और बड़ी संख्या में महिलाओं और स्टूडेंट को यह मूवी दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीज़ों को रोकने के लिए महिलाओं, बच्चियों के साथ साथ ही उनके माता पिता अभिभावकों को भी यह मूवी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर वर्ग के लोगों में ऐसी गतिविधियों को लेकर जागरूकता आ सके, बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इस मूवी को देखें। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रण लिया है कि इस मूवी को जन जन तक पहुँचाने का काम करना है। बता दें कि जब से यह मूवी रिलीज हुई है तब से ही मूवी को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपने जो 5,000 लोगों को ये मूवी दिखाने का प्रण लिया है, क्या कुछ प्रण है, क्या कारण है और कितने लोगों को अभी तक दिखा चुके हैं? अभी तक हम लगभग 250 के इसमें 4 बार हम मूवी दिखा चुके हैं, लगभग 1,000 से अधिक मूवी हम दिखा चुके हैं। आज भी लगातार शो चल रहे हैं और शुरुआती दौर में हम 5,000, वैसे हमारा लक्ष्य जितना ईश्वर हमारा साथ देगा उतना हम इसको 5,000 से अधिक भी इसको ले जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो सच्चाई है, ये जो षड्यंत्र है, वो देश के सामने आना चाहिए, देश के युवा वर्ग को इसको समझना चाहिए, सारे युवाओं को, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को भी षड्यंत्र को समझना चाहिए और अपने बच्चों को धर्म और सनातन संस्कृति से जोड़ना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर आज श्री राम भगवान के दरबार में हम आए हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक सनातनी इस फिल्म को जरूर देखे, सारी बच्चियां अवेयर हो, सारे परिवार, और अपने धर्म संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में जाने, ताकि कोई भी ज्यादा ताकत उसको अपने उलझा नहीं पाए, अपने षड्यंत्र में फंसा नहीं पाए। ये जो 5,000 लोगों को आप दिखा रहे हैं, क्या उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं? बिल्कुल, हम लगभग 30-40% जो हैं वो बच्चियां हैं कॉलेज की, उनकी माताएं हैं, उसके अलावा उनके पिता और उनके भाई, ये सभी भी, माता पिता भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, उनको भी दिखाने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वो अपने बच्चों को जब संस्कार देंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि जिस तरह से एक मुस्लिम युवती हिंदू युवती को बताती है कि हमारे अल्लाह ने, देखिए हर चीज के पीछे कोई लॉजिक दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनको इतना ट्रेन किया हुआ है। लेकिन हमारे जो हिंदू बच्चियां हैं वो बोलती है कि हमको तो पता ही नहीं है, हम तो दिवाली भी नहीं मना पाते क्योंकि हमारे को इतना पसंद नहीं है पूजा पाठ, या ये मंत्र क्या होता है, भोजन मंत्र क्या होता है, उठते हैं तो क्या करना है, सोते हैं तो पहले सूर्य को अर्घ्य क्यों देना है। तो ये जो बेसिक चीजें हमारे धर्म की सनातन, इससे जब से हम कटते चले जा रहे हैं तब से ही जिहादी मानसिकता हम पे हावी चली होती जा रही है। तो अभिभावकों को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने बच्चे बच्चियों को सनातन धर्म से जोड़िए, अपना जो मेन आधार है वो सिखाएं, मेन हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उसका ज्ञान उनको हो, इसी तरह से हम इस षड्यंत्र को नाकाम कर पाएंगे। ठीक है, एक बार नाम बताइएगा। पंडित संदीप जोशी, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण युवा संगठन इंदौर।